मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी मैं हूँ, ये सिखवे गुरुद्वारा है, ये क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ रोड पे ही पड़ता है। यहाँ से जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं ये जा रहा है सीधा हिमाचल की तरफ। और यार कल मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करा, इसलिए नहीं करा यार क्योंकि मैं कल चंडीगढ़ जो सिटी है ना वहाँ पर मैं बहुत फंस गया था, क्योंकि वहाँ सारे रास्ते ना बिल्कुल सेम ही थे, इसलिए मैं पैदल चलता गया और यार मुझे पता नहीं मैं कहाँ घूमता रहा, मुझे कुछ पता नहीं लगा और मैं बहुत थक भी गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करा। फिर मैंने एक भैया से लिफ्ट ली, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी, उनका एक उनकी फैक्ट्री थी सिंटेक्स की, मैं उनके साथ वहाँ गया था। फिर वो मुझे लेके गए, कह रहे चलो आओ कुछ खा पी के आते हैं। फिर वहाँ उन्होंने मुझे बर्गर, चाउमीन और बनाना शेक खिलाया था। बहुत खुश हुई थी यार जब उन्होंने मुझे होस्ट किया था, क्योंकि वैसे ही मैं सुबह से इतना भागा दौड़ी कर रहा था, थक भी इतना गया था। तो यार फिर उन्होंने मुझे इस गुरुद्वारे में छोड़ा था, यहाँ मैंने लंगर खाया, चाय पी और ब्रेड खाए। फिर मैं 9 बजे सो गया था, अब सुबह उठा हूँ, अब निकल चुका हूँ मैं, बजे अभी 6। चलते हैं यार, देखते हैं लिफ्ट कितनी देर में मिलती है। लिफ्ट वैसे सुबह सुबह टाइम है, लिफ्ट बहुत जल्दी मिल जाएगी, कोशिश करते हैं। ठीक है चलते हैं। देखो कुछ गुरुद्वारा काफ़ी बढ़िया गुरुद्वारा है यार, यहाँ मुझे गद्दा मिला था सोने के लिए, कंबल मिले थे और मैं यहाँ नहा भी लिया, ब्रश भी कर लिया, काफ़ी मज़ा आया यार। मैं तो कल ये सोच रहा यार कल मैं कहाँ चंडीगढ़ में फंस गया, पर जब मैं बाहर निकला तो बहुत दिल को सुकून मिला यार। ठीक है चलते हैं, आप देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलती है हमें। यार सुबह सुबह का टाइम है और पैदल चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि शरीर को एकदम ठंडक मिल रही है। तो अब आने वाला हमारा देखो टोल प्लाजा आने वाला है, बोर्ड चालू हो गए 500 मीटर की दूरी पर। और आपको एक चीज़ बताऊँ, भाई साहब ये ऐसा है लग ही नहीं रहा कि इंस्टीट्यूट है ये, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं पहले 1 किलोमीटर तक पैदल चलूँगा, उसके बाद लिफ्ट के लिए देखूँगा, क्योंकि यार टांगे मजबूत हो जाएंगी ना। और देखो यहाँ कितनी यार हरियाली है यार, देखो। और गाड़ियाँ तो भाई साहब कोई भी 80 से नीचे स्पीड तो भाग ही नहीं रही, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, रोड एकदम खाली है। देखते हैं यार लिफ्ट मांगते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। मैं 1 किलोमीटर तक तो चली गई अब, ठीक है कोशिश करते हैं लिफ्ट मांगने की, वैसे मिल ही जाएगी जल्दी, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत कम है, सिर्फ बस ट्रक यही सब चल रहे हैं अभी तो। ठीक है मांगते हैं लिफ्ट यार, देखते हैं कितनी देर में लिफ्ट मिलती है। तो गाइस सुबह की फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है, सरदार जी ने दी है, सरदार जी शुक्रिया। देखते हैं सरदार जी हमें कहाँ तक लेके जाते हैं यार, 10 मिनट वेट किया मैंने, क्योंकि यार यहाँ आगे टोल प्लाजा है ना, इसलिए कार रुकी नहीं रही थी ना, गाड़ियाँ रुक रही थी, यहाँ से जितनी भी आ रही थी वो तो रुक रही थी, सरदार जी ने रोकी। देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। अभी देखो यहाँ कितनी ग्रीनरी है, और देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं, और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। तो गाइस सरदार जी ने हमें छोड़ दिया है 20 किलोमीटर आगे, और अभी बैठा हुआ हूँ यार, सोच रहा हूँ केले खा लूँ, क्योंकि केले देखो कैसे हो रहे हैं, देख रहे हो
इसमें केले में बिल्कुल भी दाग नहीं था, ये बिल्कुल पीला था। पर ये क्या करूँ, रात में मैंने खाया नहीं, सीधा मैं गुरुद्वारे में आके मैंने लंगर खा लिया, पेट भर गया इसलिए सो गया था। और अब देखें केले यार ये ऐसे हो रहे हैं, ये तो गले जा रहे हैं। तो केले तीन तीन करके मैं सारे खा लूँगा आज, शाम तक तो ख़त्म कर ही दूँगा। शाम तक नहीं तो यार 12 बजे तक ख़त्म तो करनी है ये, क्योंकि इसमें देखो गलते जा रहे हैं केले। ठीक है मैं केले खाता हूँ, फिर देखते हैं लिफ्ट कितनी देर में मिलती है। मिल जाएगी यार लिफ्ट, तो यहाँ बहुत ईजी है लिफ्ट मिलना। ठीक है बाय। तो यार केले खा चुका हूँ, 2 ही केले खाए हैं यार मैंने, क्योंकि केले देखो कितने बड़े हैं, कितने बड़े केले हैं, और मेरे पे 2 ही खाए गए, एक मैं हाथ में लेके चल रहा हूँ, रास्ते में कहीं खा लूँगा। इतने बड़े केले हैं यार, देखो मेरे पे खाया ही नहीं गया। तो भाई अब अपने पहाड़ शुरू हो चुके हैं दिखने थोड़े थोड़े, अब मज़ा आ रहा है यार ट्रैवल करने में। ये देखो सामने, और ग्रीनरी तो भाई भर भर के भरी हुई है, क्योंकि अब पहाड़ शुरू हो गए इसलिए। ओ हाँ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, मुझे सेकंड लिफ्ट मिल चुकी है, सरदार जी ने दी है, शुक्रिया सरदार जी। तो यार वो पता, मैं केले के चक्कर में भूल ही गया, मैं यहाँ केले के बारे में बताने लग गया इसलिए। अब यहाँ से देखो आपको रेस्टोरेंट होटल भर भर के मिलेंगे, अब भर भर के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से पहाड़ शुरू हो चुके हैं। चलते हैं यार देखते हैं, अभी हम 5 किलोमीटर जाएंगे, फिर वहाँ से सरदार जी राइट होंगे और मुझे जाना है राइट, वो क्या बोलते हैं, सरदार जी राइट होंगे, मेरे को जाना है बिल्कुल अपोजिट सीधे। ठीक है चलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यार, मुझे जाना है इस रास्ते पर, सरदार जी गए इस रास्ते पे, ये वाला रास्ता भी जाएगा यार, पर ये बहुत घुमा फिरा के जाएगा, इसलिए इसे भी खाना यार, सारे तो हाथ में रखे रखे गल जा रहे हैं। मुझे मनाली जाना है, छोड़ दो रास्ते में आओ, कीर्तपुर से जाता है ऊपर आ जाओ। अच्छा ओके थैंक यू, तो भाई तीसरी लिफ्ट भी मिल चुकी है, वो भी 5 मिनट के बाद भैया जी ने दी है, भैया जी शुक्रिया। तो यार एक बार बताओ, यहाँ पंजाब में हिमाचल की तरफ जाने का इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि देखो एक तो पंजाब में गुरुद्वारे जगह जगह हैं, और हिमाचल में भी गुरुद्वारे बहुत हैं, और यहाँ से ट्रक भी जाते भी हैं और आते भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार। दार्जिलिंग में तो ऐसा था ना, वहाँ ट्रक नहीं जाते थे, वहाँ छोटी गाड़ियाँ चलती थी, पर वहाँ से आसान यहाँ पर है। ये चलते हैं, जो अब पहाड़ भी शुरू हो चुके हैं, देखो आप भी हिमाचल के यार, सुंदरनगर के हिमाचल। वीडियो को पूरी देखना, आपको इससे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे आगे आगे। कर रहा भाई कि कैमरा बंद ही ना करूं, वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि यार नज़ारे इतने सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर क्या करूं, मेरी बैटरी यार 3 घंटे के बाद एकदम डाउन हो जाएगी, इसलिए मैं पूरे दिन तो वीडियो बना नहीं सकता, पर जो भी अच्छे अच्छे सीन आएंगे मैं आपको पक्का दिखाऊंगा। तो यार ये पुल मैं पूरा पैदल चल के पार करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ यार, इसलिए पैदल चलूँगा। जैसे आप वीडियो बना तो यार मैं एक बहुत अच्छा व्यू दिखाता आपको, पर जब मैं पहले लिफ्ट मांग रहा था ना, एक भैया पास में जा रहे थे वहाँ अपना माल उतार के, फिर वो दोबारे आ रहे थे, दोबारे उन्होंने मुझे देखा तो गाड़ी रोक ली यार। तो देखो व्यू देखो पहले आप, ये बहुत बड़ा समुंदर था यार। तो मुझे आज की चौथी लिफ्ट मिल चुकी है यार, भैया जी ने दी है, थैंक यू। पाखड़ा बोलते हैं नहर। अच्छा पाखड़ा नहर, पाखड़ा नंगल डैम वाली पाखड़ा। अच्छा पाखड़ा बोलते हैं, बहुत सुंदर लगी, जब तो मैं पैदल आया ऊपर तक। अच्छा मैंने भैया मुझे ट्रक में छोड़े थे, मगर नहीं भैया जी मैं पैदल जाऊँ, क्योंकि मुझे व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ चलो कोई नहीं यार, इससे भी अच्छे अच्छे व्यू आते रहेंगे अभी। ठीक है चलते हैं भैया जी के साथ। छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, पर आगे चल के बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे। ठीक है चलते हैं।
स्किप करना, पूरी देखना, मजा जब ही आएगा। तो ये आ चुका है पहाड़ों का मेन। तो गाइस बिलासपुर पहुंचने वाले हैं और मैं आपको व्यू पॉइंट दिखाता हूँ यहाँ का। इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ देखने में। अभी हम रुके हैं यहाँ चाय पानी पीने के लिए। मेरी तो यार आग लगी थी कि मैं रात सही से सोया नहीं ना, मच्छर बहुत काट रहे थे इसके। आप भैया कहते हैं चाय पानी जा रहे अपने भैया। अभी तो मैं मर ही जाता भाई, और भगवत क्या आ गया, आ गए अपनी चाय पानी पीने। लो भाई अपनी चाय आ चुकी है, देख रहे हो। यहाँ सब ऐसी चाय पीते हैं, वहाँ दार्जिलिंग की तरह नहीं है कि इतनी इतनी चाय मिले। वाह टेस्टी है भैया चाय तो बहुत। लो भाई अपनी चाय भी हो चुकी है, ये मेरी सेकंड चाय थी, सुबह गुरुद्वारे में पी थी, अब यहाँ पिला दी भैया ने। अब चलते हैं यहाँ से। क्या लेके जा रहे हो भैया जी इसमें? गोदरेज का सामान है। अच्छा एसी के पार्ट्स है इसमें। तो भाई भैया इसलिए एसी के पार्ट्स लेके जा रहे हैं। ओहो पन्नी भाई लो। ये देखो जैसे दिख रहा है ना अंदर एसी के, लगता है ऐसे पार्ट्स हैं। चलते हैं। भैया ने मुझे कम से कम 80 किलोमीटर की लिफ्ट दी यार, बहुत मज़ा आया। भैया के साथ प्यारी प्यारी बातें भी करी और उनके साथ चाय भी पी ली हमने। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ये देखो एक यहाँ छोटा सा बस स्टैंड है, यहाँ बैठा हुआ हूँ। यहाँ अपने दो केले खाऊंगा और कम से कम एक घंटे यहाँ सोऊंगा पहले, क्योंकि मेरी आँखों में नींद भरी हुई है काफ़ी। ठीक है मैं आपको सो के मिलता हूँ। तो यार सोने के बाद एक घंटे बाद लिफ्ट मिल चुकी है यार, भैया जी ने दिया, भैया जी धन्यवाद। तो ये भाई भी यहीं के लोकल है, ये भाई जा रहे हैं नहाने के लिए। देखते हैं भाई कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हो तुम? हाँ कितना किलोमीटर है? 11। अच्छा और भैया जी ने मुझे लिफ्ट दी है सुंदर नगर तक। ठीक है देखते हैं, क्योंकि एक भैया भी बताए थे सुंदर नगर जाना, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। चलते हैं भैया जी के साथ। अभी बजे हैं एक, हो चुका है अपना खाने का समय। ठीक है खाते हैं खाना, पेट पूजा भाई हो चुकी है। अब चलते हैं सुंदर नगर की तरफ, ज़्यादा नहीं ज़्यादा ज़्यादा 5-7 किलोमीटर रह गया। दिल खुश हो गया यार देख के, इसी चीज़ को मैं देखने के लिए यहाँ तक आया था। चलते हैं अब देखते हैं कहाँ का सफ़र हो गया।
अगर आपको बढ़िया लगी तो लाइक कमेंट शेयर करके बताना और सब्सक्राइब भी कर देना यार।